मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मैं एसपी क्लिफ्टन तैनात हूँ। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया था लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से ईयर 2013 में, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर की मेहनत के बाद मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया था, सीएसएस 2016। जब 2016 में मैंने अटेम्प्ट किया सीएसएस, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह मैंने अपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीएसएस क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चूज़ की। ये डिपार्टमेंट मेरा फ़र्स्ट चॉइस था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में फ़र्स्ट चॉइस मिल गई। और माशाल्लाह से मैंने फिर पास पीएसपी में इंडक्ट होने के बाद 6 मंथ्स ट्रेनिंग की, कॉमन सर्विस जो हम ट्रेनिंग करते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम 45th CTP के साथ था। हमने 6 माह लाहौर में ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर हमने स्पेशल ट्रेनिंग की जो नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में हुई थी, जो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए थी। उसके बाद फिर 6 मंथ्स हम अंडर ट्रेनिंग रहे, फील्ड ट्रेनिंग होती है, वो हमने फील्ड ट्रेनिंग की जो मैंने गुजरांवाला में की थी। और उसके बाद फिर पासिंग आउट के लिए हम एकेडमी दोबारा जाते हैं फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, और पासिंग आउट के बाद फिर जो इनिशियल हमारी पोस्टिंग्स होती हैं वो आउट ऑफ प्रोविंस होती हैं। तो जो पहली मेरी पोस्टिंग थी वो बुरेवाला विहाड़ी में थी, वहाँ ऑलमोस्ट मैं कोई 11 मंथ्स था। उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने फिर फ्रंटियर कंस्टेबलरी ज्वाइन की थी, और फ्रंटियर कंस्टेबलरी में ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने एज़ ADOFC हैदराबाद सर्व किया था। उसके बाद फिर दोबारा मेरी पंजाब में पोस्टिंग हुई थी एज़ ASP सिटी बहावलपुर, वहाँ ऑलमोस्ट मैंने 15 मंथ्स सर्व किया, और बड़ी अच्छी सर्विस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जनवरी 2023 में मैं प्रमोट हो गया, और प्रमोशन के बाद मैं SP कैंट मुल्तान तैनात हो गया। उसके बाद फिर आफ्टर 2 मंथ्स मैं SP सदर मुल्तान तैनात था राउंड अबाउट 4 मंथ्स के लिए। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं अपने सिंध प्रोविंस आ गया। यहाँ पर मैंने वेरियस पोस्टिंग्स की हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह SP गुलशन रहा हूँ, SP सोराब गोट रहा हूँ, अभी SP क्लिफ्टन हूँ। SP क्लिफ्टन के साथ मेरे पास और भी चार्ज हैं, जैसे SSP ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का चार्ज भी मेरे पास है, और SP इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी का चार्ज भी मेरे पास है। जो ये पूरी मेरी एक मेडिकल करने के बाद, MBBS करने के बाद की एक पूरी जर्नी है, वो जर्नी बहुत, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत टायरसम और हार्ड वर्किंग से भरी हुई है। जैसे बहुत सारे हमारे पास होते हैं मिथ्स होते हैं CSS की प्रिपरेशन के लिए। एक मिथ ये होता है कि अगर आप लाहौर नहीं जाएंगे तो फिर आप कभी CSS क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिथ को मैं डिनाई करता हूँ, और मैंने अपनी पूरी जो तैयारी थी वो हैदराबाद में की है, और वहाँ पर मैंने वेरियस अकेडमीज़ ज्वाइन की, और उन अकेडमीज़ पे मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग जो हमारी होती है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान होता है, वो सारा परसू किया। और विद इन 1 ईयर अगर मैं कहूँ अपनी हार्ड वर्किंग को, तो 1 साल मैंने पूरा वो तकरीबन एवरी डे आई यूज़ टू स्टडी 12 to 14 hours a day, और 1 साल तैयारी करने के बाद मैंने अपना अटैम्प्ट दिया। जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं समझता हूँ हैदराबाद में ही हमें अच्छे स्किल्स मिल जाते हैं, उसके लिए लाहौर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप मेहनत करते हैं लगन से और डेडिकेशन से, जो हमारी डेडिकेशन है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो CSS की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनकी वो मोटिवेशन नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि वो जो लेक ऑफ मोटिवेशन है या लेक ऑफ डेडिकेशन है टूवर्ड्स द CSS प्रोफेशन, तो वो लेकिंग होती है और उन्हें बहुत टाइम भी लग जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल में कर लिया। उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा रोल है वो मैं यही कहूँगा कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क और मोटिवेशन था टूवर्ड्स वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को पहनने के पीछे जो मेहनत है ना, वो मैंने बड़े लगन से मेहनत की है, कि मैंने उसमें ना दिन देखा ना रात देखी, और उस 1 साल की मेहनत में मैंने वो अचीव किया जो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सालों में अचीव नहीं कर पाते। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जब हम स्टडी करते हैं तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते।
सबसे जो एक अहम चीज़ है जो हम देखते हैं और जिस पे हम फोकस करते हैं, सबसे अहम चीज़ जो अभी हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेसिक्स देखें, बेसिक बड़ी आसान चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जितना हमने MBBS में हार्ड वर्क किया, CSS उसके 5% भी नहीं है। बहुत आसान सी फील्ड है, लेकिन सिर्फ एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब स्मार्ट वर्क कैसे, जैसे हमें सिलेबस मिलता है CSS में, तो सिलेबस तो बहुत लंबा सा होता है, लेकिन जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स से हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर का फोकस किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे है। अगर हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें तो मैं समझता हूँ हम उनमें से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और यही मैंने किया, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ कि हम जब भी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसमें फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटन पार्ट पे। हम कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs पे फोकस ही नहीं करते। अगर टोटल मार्क्स देखें MCQs की, तो वो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स हैं MCQs के, पूरे जो हमारे सब्जेक्ट्स मिला के, सिर्फ ऐसे को छोड़ के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में जो MCQs हैं उसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। और अगर हम उन 200 मार्क्स को प्रिपेयर करें तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हमारी मार्क्स आ सकती हैं, क्योंकि वो जो 200 मार्क्स हैं दे मेक अ डिफरेंस। लेकिन क्योंकि हम रिटन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा फोकस उस तरफ नहीं जाता। थर्डली, जब हम ऐसे और कंपोजिशन को देखते हैं तो ऐसे और कंपोजिशन में मोस्टली 98% ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ऐसे और कंपोजिशन को ड्यू टाइम नहीं दे पाते, ना उन्हें टाइम देते हैं और लिमिटेड टाइम देते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ऐसे है, देखें प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं ना उतना हमें काम आती है। अब ऐसे लिखने का जो स्किल है वो तो मुझे अकेडमीज़ में मुझे पता चला कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, एक प्रॉपर तरीका ऐसे लिखने का वो अकेडमीज़ से मैंने सीखा। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो कभी आपको अकेडमीज़ नहीं सिखा सकेंगे, वो आपको ख़ुद प्रैक्टिस करना होगा। इसमें मेरे जो टीचर्स थे वो अक्सर हमें ये कहते थे, इसमें जो मेरे टीचर हैं जिनको मैं मेंटोर समझता हूँ, सर इरशाद चोटर, वो हमेशा एक बात हमें कहते थे, वो ये कहते थे कि जब हम ऐसे घर पे लिखते हैं ना तो हम उसको 4-5 घंटों में लिखते हैं, तो वो ऐसे हमारा बड़ा अच्छा होता है और पास हो जाता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो जस्ट 3 घंटों का होता है। लेकिन उन 3 घंटों में आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये आपको पता ही नहीं होता। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तब 3 आवर्स में लिखा करें ऐसे, ये इरशाद चोटर हमेशा कहा करते थे। तो जब भी मैंने प्रैक्टिस की है अपने पूरे इस रिटन पार्ट में, जब भी मैंने प्रैक्टिस की है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ऐसे 3 घंटों का लिखा था। उसमें हुआ ये कि जब मैं शुरुआत में ऐसे लिखता था तो वो ऐसे में कभी कभी उसकी बॉडी रह जाती थी, कभी कॉन्क्लूजन रह जाता था, ऐसे वो कंप्लीट नहीं होता था। मुझे अभी तक याद है कि जो पहला ऐसे मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा था एक टेस्ट में, तो मैंने सिर्फ 18 मार्क्स उसमें सिक्योर किए थे। तो उससे मुझे ये पता चला कि क्या चीज़ें हैं जो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर बारहा उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए टाइम एंड अगेन जब हमने इतनी प्रैक्टिस की, तब उस वक्त हमें ये पता चला कि जो ऐसे का जो एक प्रॉपर प्रोसेस है वो बड़ा आसान सा है। वो ये है कि आप पहले तो स्किल डेवलपमेंट सीख लें कि ऐसे लिखने में आपको स्किल्स क्या चाहिए, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट है। मैं फोर्टनाइटली, मेरी आदत थी कि मैं फोर्टनाइटली एक ऐसे प्रैक्टिस करता था और वो 3 घंटों में प्रैक्टिस करता था, तो उससे मेरी टाइम मैनेजमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। तो जब मैंने फाइनल एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ था और मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मेरे 10 मिनट, मुझे अभी तक याद है कि मेरे 10 मिनट उस ऐसे से बच गए थे। वो क्यों? क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर चुका था उस वक्त तक, और वो टाइम मैनेजमेंट मुझे सिखाई थी मेरी प्रैक्टिस ने। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग जहाँ पे कंक्लूजन पूरा नहीं कर पाते, वहाँ मेरे पास 10 मिनट बचे हुए थे प्रूफ रीडिंग के लिए।